नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। मतगणना केंद्र से निकलते ही भड़के अजीत शर्मा, जमकर कोसा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर भागलपुर में बरारी पॉलिटेक्निक में मतगणना कार्य चल रहा था, जिसमें अजीत शर्मा और अजय मंडल में खासा टक्कर था। वहीं जिसमें अजय मंडल ने बाजी मारी और अजीत शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं मतगणना केंद्र में मतगणना समाप्त होने के बाद जब वह बाहर निकले तो वह भड़क उठे और कहा, यूपी में लोग शिक्षित हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार लोगों को अशिक्षित कर दिए हैं, यहां शिक्षा का स्तर गिरा दिए हैं, इसलिए लोग 5 किलो अनाज के चक्कर में एनडीए को वोट दिया। जबकि अजय मंडल ऐसे प्रत्याशी हैं जो घर से कभी निकलते नहीं हैं, जनता तक कभी आते नहीं हैं। जो जीत रही है वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर शिक्षा के मामले में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल शिक्षा किसी को नहीं दिया, जिसके चलते लोग शिक्षित नहीं है। वो 5 किलो अनाज के चक्कर में हमको लगता है कि मोदी जो दिए हैं उसमें लोगों को वोट दे दिए हैं, जो कि जनता बोली नहीं, लेकिन मुझे माहौल तो मेरे पक्ष में था। ऐसे निर्णय जनता का है, उसको मैं सलाम करता हूँ। क्या लग रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये कारण तो भाई, मैं तो चुनाव लड़ा, जनता ये कह रही थी कि हम, मुझे दबाव था चुनाव लड़ने का, इसलिए कि विकास 5 वर्षों में नहीं हुआ। बोला कि विकास छोड़िए, कोई मिलने तक नहीं आए सांसद महोदय। उसके बाद भी उसकी जीत होती है, जो अभी गिनती में, अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल होगा तो पता चले, लेकिन हमको लगता है कि वो जीतेंगे। और जनता इसको स्वीकार करे, भाई विकास अगर बोल रहे थे कि नहीं हुआ, फिर वोट दिए हैं तो वो सर्वोपरि है, मैं इनको सलाम करता हूँ। इंडिया का दावा था 400 पार, अब 300 भी नहीं पहुंचे। सर, इंडिया गठबंधन की बात, वो क्या करेंगे इंडिया वाले लोग। अब तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, अब तो आखिरी दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं बराबर का टक्कर है। इसलिए मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन बनेगा, और इंडिया गठबंधन अगर बन गई तो युवकों को रोजगार मिलेगा, किसानों के लिए काम होगा, गरीबों महिलाओं के लिए दिए जाएंगे, सब राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में दिया है। इंडिया गठबंधन का जादू 30-20 बार कम हो गया। नहीं, जादू तो कुछ भी नहीं है, वो 5 किलो अनाज में लगता है। तो शिक्षित लोगों ने वोट दे दिए, उन्होंने विकास की चिंता नहीं की, 5 किलो अनाज की ज्यादा चिंता की। लेकिन जनता को आगे के लिए सोचना होगा कि विकास कैसे होगा, किसानों की भलाई कैसे होगी, इंडस्ट्री कैसे लगेंगे, एयरपोर्ट कैसे चालू होगा। भागलपुर में एयरपोर्ट चालू होने से फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे, इससे किसानों की तरक्की होगी, युवकों को रोजगार मिलेगा, और ये बुनकर जो सिल्क उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता था वो आगे बढ़ेगा। अब जनता ने निर्णय लिया है तो हम तो उसको सलाम ही करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जनता ने अगर उनको जिताया तो उनसे काम लें, एयरपोर्ट चालू कराएं, बुनकरों को देखें, किसानों को देखें, गरीब महिलाओं को देखें, युवकों को रोजगार दें। अगर नहीं देते हैं, जनता उनको माफ नहीं करेगी।